देखा देखा तुमने सभी कैसे लोग हैं। जब सही मेरे साथ है तो ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे। सोचो तब क्या बिहेव करते होंगे जब सही उनके पास होती होगी। तो मैं अपनी सही को उनके यहां बिल्कुल नहीं भेज सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं रोना। गुड गर्ल हो ना। आपको पता है आपके पापा आपकी दादी आपके चाचू कहाँ गए? उन्हें जरूरी काम आ गया था ना तो वो वहां चले गए। थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। आप प्लीज बच्चे के लिए पानी लाएंगे? पानी लेकर आइए। हाँ हाँ मैंने देखा आपका मिस्ड कॉल। मैं थोड़ी बिजी थी स्टुपिड सी चीजों में। हाँ हाँ दो टिकट्स बिजनेस क्लास टू ग्रीस। मेरी और अर्श की अ वीक लॉन्ग ट्रिप। थैंक यू। ये सब क्या चल रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आशका को सही की कस्टडी चाहिए लेकिन वो इसे हॉस्टल भेजने की प्लानिंग कर रही है। क्या मैंने सही को यहाँ भेजकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अब बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल सैड नहीं होना। ओके वापस रोओगे तो आपको पता है क्या होगा? आपके टीयर्स से ना स्विमिंग पूल बन जाएगा। देखा यही वाली स्माइल मिसिंग थी मेरा क्यूट टू। अब ना टीचर को जाना होगा बेटा। ओके लेकिन मैं आपसे जल्दी जल्दी वापस मिलूंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। आपको पता है मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या? एक मिनट मेरा बैग लेकर आएंगे प्लीज। बैग लेकर आइए। आपके लिए सरप्राइज है, आपको बहुत पसंद है वो। थैंक यू। ये क्या है? थाली पीट, आपका फेवरेट। अब मैं ये नैनी आंटी को देती हूँ, आप नैनी आंटी के पास बैठना और आराम से पूरा फिनिश करना। ओके आप ये प्लीज खिला देंगे? जी बिल्कुल खिला दूंगी। आओ बेटा। ओह गॉश सवी, आई एम सो सॉरी इस पूरे ड्रामे के लिए। प्लीज इफ यू डोंट माइंड मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ पूछिए। कल आप सही को स्कूल भेज सकती हैं? नहीं 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 नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। आपने देखा ना आज क्या हुआ? जब वो औरत इस घर में आ सकती है तो स्कूल में भी आ सकती है ना। एंड फॉर गॉड सेक वहां तो वो उसकी लीगल गार्डियन है। मेरी सही को उठा के ले गई तो? नहीं मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। हाँ लेकिन बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उसका क्या? मैं हूं ना, मैं घर पे उसे पढ़ा दूंगी। और नहीं तो आप तो हैं ही, आप आ जाइएगा। आपकी फीस जो भी होगी आप बता दीजिएगा। नहीं फीस की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी पढ़ाने के लिए। और सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, अगर किसी और चीज की भी जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकती हैं। ऑलराइट बाय। बाय। एक्सक्यूज मी अर्श, क्या बताऊं तुम्हें आज क्या ड्रामा हुआ था यार। आशका जी को देखकर इनसे बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें सही की कोई फिक्र ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा सही का यहाँ रहना ठीक है भी या नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।